हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप? स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल किचन विद प्रीति में। तो आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो मैंने ले लिया है यहाँ आधा किलो के लगभग मुरमुरा, ये देखिए एकदम, ये अभी का तुरंत का नया है, और ये साथ में मकई का। तो हम इन सभी सामान से बनाएंगे मिक्सचर, तो होममेड मिक्सचर है। तो ये कढ़ाई सबसे पहले चढ़ाएंगे, तो उसमें हम तेल डालेंगे, तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही डालेंगे, रिफाइन ऑयल है। तो हम ये देखिए जैसे ही गर्म हो जाएगा तेल, तो हम इसमें एक छन्नी रखेंगे, और जितनी भी मूँगफली है हम उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये चटकने नहीं लगेगी तब तक इसे फ्राई करेंगे, ये देखिए। तो यहाँ पे हमारी मूंगफली चटकने लगी है, तो मतलब पक चुकी है। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी, ये देखिए यहाँ पे मैंने मूंगफली को बाहर निकाल लिया है। अब इसे एक पेपर ले लूँगी, उस पेपर में पेपर के ऊपर ही डालूँगी। अब जितने भी चिप्स हैं, तीन कोन वाले चिप्स हैं, अब इस चिप्स को भी मैंने, इन्हें भी ऐसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई कर लेंगे, एक ही साथ नहीं बनेगा। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं सभी को इस तरीके से छान ली हूँ, ऐसे पांच पांच छः छः करके डालेंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए, नहीं तो ये पकेंगे नहीं, दांत में ऐसे ही खाते समय फंस जाएंगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके सभी को फ्राई कर लिया। तो यहाँ पे मैं होममेड मिक्सचर बनाने जा रही हूँ, तो आप पूरा देखिएगा इस रेसिपी को, और आप भी अपने घर में ज़रूर एक बार बनाइएगा। तो यहाँ पे मैंने चिप्स को भी छान लिया है, ये है मकई चिप्स, तो इसे भी थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे ताकि ये भी अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे जितने भी फ्राई करने वाले हैं सभी को मैं फ्राई कर ली हूँ, ये देखिए मैंने सभी को फ्राई कर लिया है, और साथ में एक पेपर में ही रखा है ताकि पूरा ऑयल उसी में आ जाए। तो यहाँ पे नारियल का टुकड़ा भी मैंने रखा हुआ था, उसको भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, नहीं तो स्किप भी नारियल कर सकते हैं। इसे भी मैंने छान लिया है। अब ये है कड़ी पत्ता, अब इसे भी उसी छन्नी में छान लेंगे गर्म तेल में, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिक्सचर बनाते समय कड़ी पत्ता ज़रूर डालें। तो ये मैंने निकाल लिया है सभी को, और साथ में ध्यान रहे कि पेपर में ही डालना है ताकि पूरा तेल उसी में चला जाए। और यहाँ पे मैं मिर्ची भी फ्राई कर ले रही हूँ, मिर्ची भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालेंगे। यहाँ पे मैंने चार मिर्ची ही डाला है। मिर्ची को भी फ्राई करने के बाद मैं निकाल लूँगी, मिर्ची भी फ्राई करके ही डालेंगे। ये देखिए यहाँ पे मिर्ची भी पक चुकी है। अब इसमें एक दूसरी कढ़ाई मैं ले ली हूँ, उसमें डाली हूँ तेल, डाली हूँ एक चम्मच, बड़े चम्मच के लगभग, और थोड़ा सा काला नमक, और साथ में हल्दी। यहाँ पे मैं काला नमक ही यूज़ कर रही हूँ मिक्सचर बनाने में, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप चाहें तो नॉर्मल नमक यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुरमुरा जितना था तो मैंने उसी कढ़ाई में डाल दिया। अब इसे 5 से 6 मिनट के लिए हम भून लेंगे। ये मुरमुरा की एकदम नई रेसिपी है, और एकदम डिफरेंट रेसिपी है, और एकदम अलग रेसिपी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ये देखिए मैं अच्छे से इसे भून ले रही हूँ। भूनने के बाद इस तरीके से अगर हो जा रहा है एकदम पूरा महीन सा, जब तक नहीं हो जाएगा तब तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर और भूनने के बाद इसे मैं निकाल लूँगी, ये देखिए यहाँ पे सभी अच्छे से भून चुके हैं। तो मैं इसे निकाल लूँगी एक दूसरे बर्तन में, ये देखिए मैंने भून लिया है, और साथ में सभी को अच्छे से फ्राई भी कर लिए हैं। अब यहाँ पे चाट मसाला पाउडर, मिर्ची, काला नमक इस तरीके से ऊपर से डालेंगे ताकि सभी में अच्छे से हो जाए। एक एक करके डालेंगे, पहले मैंने डाला नमक, डालने के बाद फिर डालेंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर, फिर डालेंगे इसमें
चाट मसाला। चाट मसाला भी बहुत ही ज़रूरी है इस रेसिपी में। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सभी को डाल दिया है। अब डालने के बाद जिस बर्तन में मुरमुरा है उसको भी इसी में डालेंगे। ये देखिए, सभी को एक एक करके डाल के अच्छे से अब इसे हम मिक्स करेंगे। मिर्ची को भी आप तोड़ के डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे तीखापन बढ़ जाएगा। और ये देखिए, साथ में ऐड कर दिए इसमें कड़ी पत्ता। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले फिर से हम इसे लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर और नमक से ऊपर ऊपर ऐसे इस तरीके से डाल देंगे। अब इसे छन्नी की सहायता से इस तरीके से हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड, कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ध्यान रहे, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर एक बार बनाइएगा और घर में खाइएगा। और ये देखिए, ये जो मैंने फ्राई किए हैं चिप्स वगैरह, तो इसे इस तरीके से हाथ से दबाते हुए थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लेंगे। तोड़ने से ये रहेगा कि मुरमुरा और ये जो है अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, छोटे छोटे टुकड़ों में हो भी गए हैं। अब फिर से हम इसे मिक्स कर लेंगे और जो बड़े टुकड़े हैं कोई दिक्कत नहीं रह आएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से भी आप मिक्स कर सकते हैं ऐसे उठा उठा के। इसे ज़रूर बनाइएगा और स्टोर करके हम इसे भी रख सकते हैं महीना दो महीना के लिए। और चाय के साथ भी खा सकते हैं सुबह शाम, और नॉर्मल ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। हम लोग तो हमेशा खाते रहते हैं और बना लेते हैं। तो फ्रेंड, आप भी ज़रूर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और साथ में ट्राई करने के बाद कैसी बनी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है खाने के लिए एक प्लेट में, मैं अब इसे चाय के साथ खाऊंगी। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।